पेस्ट निकालने के बहुत सारे तरीके देखे हैं आपने, बेलन से निकालना, मोड़ के निकालना, किसी चीज़ में फंसा के निकालना, पर ये वाला स्टाइल आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा। पहले जितना कोलगेट है सब बाहर निकाल दो और उसके बाद पानी भरो। लिक्विड फॉर्म में आप जो है कोलगेट यूज़ कर सकते हैं। और ये आइडिया है मेरे छोटे बेटे का, तो कैसा लगा आपका आइडिया देख लीजिए, कैसे कैसे मेरा बेटा काम करता है, कहाँ से माइंड आता है कुछ समझ में नहीं आता। तो आज उसने जो है पूरा पेस्ट जो है खाली कर दिया और एक नया तरीका लेके आया है, बोल रहा है मम्मा देखो कितना सारा पेस्ट है, अभी फिनिश नहीं होगा, और पानी डालते रहना और बढ़ता चला जाएगा। तो बच्चे पता नहीं क्या क्या करते हैं यार। तो हमारे यहाँ डेली ऐसा मौसम हो जाता है मॉर्निंग में, और दिन में फिर धूप हो जाती है। पता नहीं यार क्यों ऐसा हो रहा है कि 5 से 6 बजे तक अच्छे से हल्की हल्की बारिश डेली होती है मॉर्निंग में, और उसके बाद जो है ना धूप आ जाती है, वही पिचपिची वाली एक चिपकी चिपी सी जो गर्मी होती है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा पसीना आता है, अगर 2 मिनट के लिए भी हम फैन से या एसी से दूर हटते हैं तो इतना ज़्यादा कि पूरा भीग जाते हैं, इस तरीके की चिपचिपी वाली गर्मी है। तो चलिए अब बनाते हैं लंच। लंच नहीं, सबसे पहले ब्रेकफास्ट बनेगा, क्योंकि मेरा बेटा जाएगा स्कूल में। छोटे वाले बेटे का स्कूल खुल गया है और उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैंने आज बड़े वाले की फरमाइश पे बनाई है चीज़ी बॉल, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ये बहुत हेल्दी है क्योंकि ये मैंने आटे से बनाई है, मैदे से बिल्कुल भी नहीं बनाई है, और ये मैंने अपने लिए बनाया। इसके अंदर बहुत कम चीज़ होगा क्योंकि मुझे चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैंने सिंपल जो रात मैंने पुलाव बनाया था उसी को भर के मैंने ये रोल बनाया, और थोड़ा सा इसके अंदर मैंने चीज़ डाला, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है बड़े वाले को चीज़, तो मैंने यहाँ पे भर भर के उसके लिए जो है चीज़ बॉल बनाई थी। और सिंपल आटे में जो है थोड़ा सा प्याज और थोड़ा सा चीज़ डाल के मैंने इनको रेडी किया था। मेरे छोटे वाले बेटे को भी ज़्यादा चीज़ पसंद नहीं है, तो उसके लिए भी मैंने थोड़ी सी सिंपल से बनाए हैं, और ये मैंने पैक कर दिया है, अब मैं उसको दूंगी। और ये बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना क्रिस्पी हो रखे थे, बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे हो रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो साइड में से मेरे बेटे की आवाज़ आ रही है, वो रो रहा है क्योंकि उसको स्कूल नहीं जाना होता, और डेली उसका यही होता है, स्कूल जाने से पहले थोड़ा सा नौटंकी करता है और फिर चुपचाप से स्कूल चला जाता है। तो यहाँ आए हैं मार्केट, और मार्केट आप देख सकते हैं यहाँ पे जिम का और मतलब इस तरह के जो है सामान, सब आइटम यहाँ पे मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपने लिए कुछ लेने के लिए आई हूँ, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है, थोड़ा सा अपनी काम की चीज़ें कुछ लेनी है। आगे आने वाली वीडियो में आपको मिल जाएगा कि मैं क्या लेके आई हूँ और क्या कर रही हूँ और क्या करूँगी। तो वीडियो में हमेशा बने रहें आप मेरे साथ, और ऐसे ही नई नई जानकारी आपको मिलती रहेगी। बहुत ही अच्छी काम के लिए मैं यहाँ से सामान लेने आई हूँ, जो जल्द ही आपको शेयर करूँगी। और इस स्टोर से आपको A to Z सामान मिल जाएगा, अगर आपको जिम की ड्रेस चाहिए वो मिल जाएंगी, जिम का कोई भी सामान है वो मिल जाएगा, और हर तरह की जो है बच्चों की खेलने की किट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे आपको इस स्टोर से। और यहाँ वहाँ से निकलने के बाद हम घुस गए सीधा मॉल में, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा सामान लेना था किचन के लिए, लेकिन थोड़ा होता नहीं है, सोच के आते हैं कि थोड़ा सा लेना है, लेकिन फिर बच्चे अगर साथ में हो ना तो बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, तो हमारे साथ भी वही हुआ, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई जो बिल्कुल काम की नहीं थी। और इसी तरीके से बस हमारा जो दिन है वो गया। और ये है मेरी योग दिवस की वीडियो जो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा आज कर लेती हूँ। और मैंने जो है योग से डिप्लोमा लिया है, यानी कि पतंजलि से डिप्लोमा लिया है, तो बस वही आपसे शेयर कर रही थी। तो मैंने डिप्लोमा किया हुआ है पतंजलि से योग का, और बहुत ज़्यादा मैं इन चीज़ों में लगी थी, लेकिन मेरे बेटे के होने के बाद ना 3-4 साल ऐसे हो गए कि मैं बिल्कुल इन चीज़ों से दूर हो गई हूँ, लेकिन वापस से अब आने की पूरी कोशिश है, पूरी तैयारी है। यहाँ पे मैं अपनी आँखों की जो एक्सरसाइज करके आप चश्मा हटा सकते हैं, उनकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, वो सब चीज़ें मैं आपसे शेयर कर रही थी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे किया। अगर आपको आँखों को रखना एकदम स्वस्थ और एकदम बहुत ही सुंदर खूबसूरत सी आँखें जैसे कि मेरी है,
मजाक कर रही हूँ, वो तो भगवान की देन है, ऊपर से आती है बनके। लेकिन ये जो वाली एक्सरसाइज है आँखों को, बहुत आँखों के लिए ये वाला एक्सरसाइज सबसे अच्छा है। पेन की नोक को देखें ध्यान से और उसे दूर ले जाएं और फिर उसको पास लेके आए। जब आँखों में दर्द होने लगे आँखें बंद करें, फिर खोलें, फिर दूर ले जाएं। ये आँखों के लिए बहुत अच्छा योग है। और अगर पेन होता है इतने पास लाके, तो थोड़ी देर आँखें बंद करें, खोलें और फिर इसको थोड़ा दूर ले जाएं। तो ये बहुत अच्छी आँखों के लिए एक्सरसाइज होती है, आँखों की मसल्स अच्छी होती है और आईसाइट। और यहाँ पे मेरा बेटा कहीं जाने की तैयारी कर रहा है, मतलब कि मेरी छोटी सिस्टर के यहाँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ सामान दे के आना था। और कहते हैं ना, अंधेरे लग जाता है, फिर नहीं देते हैं कुछ, होता है कुछ 15-20 दिन के लिए, तो उससे पहले पहले देना होता है। तो वो देने के लिए जा रहे थे ये दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड, तो पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था। तो आज मैंने इसको ये ड्रेस पहनाई है, इसको बहुत शौक है आर्मी की, स्पाइडरमैन की, पायलट की, इस तरह की ड्रेस पहनने का बहुत शौक है। तो मैं इसके लिए ऐसे ही ड्रेस खरीदती हूँ जो ये इसको पसंद है। तो सब पूछ रहे थे, बस अभी भी कमेंट आता है कि तो आज उसकी फरमाइश मैंने पूरी कर दी। बात करते हैं, बहुत दुआ है कि बहुत लोग मैंने कहा मैं फिर पूरी एक वीडियो बना के दिखाऊंगी मोनी कहाँ गई थी, क्या कर रही थी, और मम्मी पापा के पास थी, भाई थे, भाभियाँ थी, मगर मेरा जी नहीं लगा था, मैं वापस यही आने की तमन्ना थी इसलिए आ रही। अच्छा, मतलब हमें इतना प्यार करती है ना? हाँ। कितना? बहुत ज्यादा, कितना क्या मुझे पता भी नहीं है। तो आप वीडियो को यहीं पे करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, खुश रहें और स्वस्थ रहें।